को भी सुदर्शन बना, समझे। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि यही एक ऐसा दर्शन है जो मानव मात्र के कल्याण की बात करता है। मुझे एक बात से बड़ा दुख था, भारी भयंकर दुखी रहना। मदर टेरेसा की जगह एक ब्राह्मण कन्या निर्मला, सिस्टर निर्मला, नेपाल के रहने वाले, उसको मदर टेरेसा की जगह नियुक्त किया गया। तब से मैं बहुत ज्यादा दुखी था। एकमात्र हिंदू राज्य है नेपाल, और वहां पर मलेच्छों ने कैसा भारी अटैक किया। आज वो पोप की शिष्य है, एक पोप की शिष्य ये बैठी है, सोनिया गांधी। मतलब ऐसा एक अघोषित आक्रमण है संस्कृति पे, से मैं भारी दुखी था। संयोग से मुझे एक सारस्वत ब्राह्मण कन्या मिल गई। अभी पागेदार जी यहाँ आए थे, उनकी एक लड़की है जो ही पागेदार, वो अभी मेरे अमेरिका के टूर में साथ थी, इसराइल के टूर में साथ थी। और मैंने फिर उसको अमेरिका भेज दिया है। वो हर स्टेट में मतलब इस दर्शन की जानकारी दे रही है, यूनिवर्सिटीज में दे रही है, कॉलेजेस में दे रही है। और वो एक लड़की जो मदर टेरेसा की जगह बैठी, वो भी ब्राह्मण कन्या थी, ये भी ब्राह्मण कन्या है। वैदिक दर्शन को पूरे विश्व में इसका प्रचार करने का काम है। अभी मेरे पास उसका ईमेल आया था कि गुरु जी अभी यहाँ ठंड बहुत है, पारा में सकता है, इसलिए होली के बाद फिर जाऊंगा और पूरे विश्व में मेरा दर्शन करने के लिए। जितने भी मेरे चेतन शिष्य हैं, संस्था की तरफ से भेजूंगा, संस्था के खर्चे भी भेजूंगा, पूरे विश्व में भेजूंगा। क्योंकि मैं जो कुछ कर रहा हूं, देखिए कोई ना कोई, जब तक तो खूंटा नहीं होता, खूंटे के कोई पीठ पे किसी का हाथ नहीं होता, तो ये काम करने की सामर्थ्य नहीं है। शैतान बहुत बदमाश, तो ये नाथ जो है ना नाथ, मैं इनके आदेश से जा रहा हूं। कलयुग के आदि गुरु मच्छेंद्रनाथ जी थे, आपने सुना नहीं, एक मतलब प्रकरण आता है अमरनाथ पर्वत का, शिव पार्वती वहां बैठे थे अमरनाथ पर्वत पर। तो पार्वती जी ने कहा, महाराज मैं तो जन्मती हूँ मरती हूँ, जन्मती हूँ मरती हूँ, आप तो मैं जन्मती हूँ न मरती हूँ, मेरा इस मोह से पीछा भी छुड़ा क्यों देते। तो शिव जी ने कहा, तेरे को अमर कथा सुना था। और शिव जी ने कथा सुनाना शुरू कर दी पार्वती पीछे से। और मच्छेंद्रनाथ जी वीर मछली के पेट में बैठे बैठे हाँ हूँ हकारा देते रहे। जब हो गई कथा खत्म, तो शिव जी ने बोला, क्यों देवी, तो चौंक के उठे कि महाराज मैंने नहीं सुना अपने क्या कहा। तो ध्यान लगाया तो मच्छेंद्रनाथ बैठे सुन रहा था। अब उसने सुन ली अमर कथा, शिव जी उसका क्या बिगाड़ लिया। मैं उसी के आदेश से विश्व में निकला। नवनाथ आज भी अमर है, गंगाई नाथ जी मेरे लिए आज भी पहले से ज्यादा पावरफुल है। अभी 3 जनवरी को उनकी बरसी होगी जामसर में, बीकानेर से उत्तर की तरफ नेशनल हाईवे है, रेलवे भी है, स्टेशन भी है, बस स्टेशन भी है, जो जाना चाहे तो जा सकते हैं उसमें। उसमें बहुत संत महात्मा इकट्ठे होते हैं, समझे। अब मैं इसके बाद में मैंने एक सीडी बनाई है मंत्र की, लाइव टेलीकास्ट की, मैं उसकी सीडी बना के अमेरिका भेजूंगा जो के पास, और वो उसी मंत्र से चेतन हो जाएंगे, क्योंकि वो आवाज मेरी आवाज से जो मंत्र बोला गया है। तो पूरे 50 स्टेट में अमेरिका में वो घूम घूम कर ये काम करेगा, और होने के बाद मैं खुद चला जाऊंगा। फिर उसके बाद में पूरे विश्व में मेरे संस्था के चेतन शिष्य भेजूंगा, और इस दर्शन को विश्व दर्शन बना के छोड़ूंगा। ये मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य भाई। अब 81 साल तो पूरे हो गए, समय तो बहुत थोड़ा रह गया, बहुत थोड़ा रह गया, दुनिया बहुत लंबी चौड़ी, समझे। और फिर दुश्मन जो इतने शैतान है,
कि वो चारों तरफ से विरोध हो रहा है, पर एकमात्र राज्य था इस प्लेनेट पे नेपाल हिंदू राज्य, उसको भी कम्युनिस्ट ने भ्रष्ट कर दिया। और ईसाइयों ने मतलब कहाँ बैठाया, बैटमैन सिटी में कहाँ से उसने एक लड़की को पिकअप किया है? मुझे बहुत दुख था जो ही ये लड़की 2000 में जुई आई मेरे पास, फिर मैंने इसको आज तक बिल्कुल कंप्लीट टेंड कर दिया, सारी पावर डेलीगेट कर दी। अभी मेरे पास उसका ईमेल आया है, ये जन्मदिन पर शुभकामना संदेश आया, और 30 नवंबर को उसका जन्मदिन है, वो 25 साल की हो जाएगी 30 दिसंबर, तो मैं भी भेजूंगा उसको शुभकामना संदेश। तो भाई ये एक ऐसा उद्देश्य है मेरे जीवन का, और मुझे विश्वास है कि मैं मेरे जीवन काल में इसको पूरा करूंगा। पर राष्ट्र में आप लोगों की ड्यूटी है, मैं तो बाहर जाऊंगा, क्योंकि वहां से कितने लोग आ सकेंगे, इस देश को आप लोगों को संभालना, आप इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए। मैं आपको बताऊं, मेरे में एक परिवर्तन आ गया, और एक ऐतिहासिक परिवर्तन आ गया। मैं जो कुछ आज हूं ये बनना नहीं चाहता, परेशानी और मुझे आराधना करनी पड़ी लोगों ने कहा, तांत्रिकों ने कहा कि तो आपको मार्केस की दशा, मार्केस की दशा बनी जानता था, मार्केस फिर बताया कि मैंने कहा तो सबको आना भाई, तो कहते बच्चा भी जा सकता है, अनुष्ठान करो। तो गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया, 1.25 लाख जब आवती के साथ दी, 4-5 किलो घी चढ़ाए, उससे एक बार में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मतलब ये मैंने देखा कि मेरा शरीर जो एक डिवाइन फोर में एक खंभे की तरह खड़ा है, ऑर्गन सारे गायब हो गए। मैंने समझाया क्या हुआ, फिर लोगों ने समझाया कि तो आपको सिद्धि हो। मैं नहीं लाता था सिद्धि क्या बोला, फिर विवेकानंद जी आए बीच में, उन्होंने कहा गुरु के बिना इस लाइन पर नहीं पढ़ा जा सकता, तो नाथ जी को जामसर जाके गुरु बना लिया। उस वक्त दिमाग में ये था कि बेचारा बैठा है महात्मा, रोटी टुकड़ा भी संन्यास तो लोग खिलाते हैं, तो क्या देगा क्या लेगा, मगर स्वामी जी को मानता था तो बना लिया गुरु। वो जाते वक्त आदेश दे कि आगे तो तेरे काम करना है, और मच्छेंद्रनाथ का स्पेशल विशेष डायरेक्शन है कि एड्स खत्म कर दिया, कैंसर खत्म कर दिया, हाईलाइट हो गया क्या? मैं कह रहा हूं तो इस देश को से विश्व दर्शन मनाना तो दुनिया में जाओ, इसीलिए मैं गया। मैं वहां डॉलर लेने नहीं गया, समझे समझे, मैंने कहा तुम्हारा डॉलर जो है एड्स नहीं मिटा सकता, हमारा रुपया मिटा सकता, इस गर्व में मत रहो। और मैंने कोटा में 6-7 साल पहले कहा था कि रुपया डॉलर से कहीं ऊपर जाएगा, आप सब लोग पढ़े लिखे हो देखते हो क्या हालत होगी, 98 में 50 के पास पहुंचा हुआ नीचे आ गया, और नीचे आएगा और नीचे आएगा। मैं जाऊंगा अब मेरे शिष्य यहां आएंगे सच्चाई देखने के लिए, वो मुझे देख कर नहीं मानेंगे, दीप जाएंगे कहां पैदा हुआ ये आदमी, आज तक इसने क्या किया, तब वो मानेंगे। अब भी एक इजरायली बैठा हुआ है, कल उसने मेरे पिछले विश्वास को दीक्षा ली थी, आपके बीच में बैठा हुआ है, उसने कहा मारा वाला पन्ना वाला काम मैं करूंगा नहीं, इजरायली है पहले भी आए हुए कई इजरायली दीक्षा लेने के लिए यरूशलेम को, हम इजराइल से, मैं गया था 12 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक इसराइल था मैं, वो आखिरी मंदिर की दीवार जिसे कहते हैं वो देखने गया था। मैंने कहा इसके लिए लड़ रहे 80% पत्थर है ऐसे कुछ नहीं उपजता, एक तरफ वो हरा गुम्बद है एक तरफ उनकी दीवार, और उसके लिए विश्व युद्ध का मैं आपको आज कहता हूं। मैंने वहां खड़े खड़े सोचा, मैंने कहा इस पत्थर में क्या ले लेंगे, राज राज अगर इनको मिल भी जाए कुछ नहीं उपजता, खजूर कह रहा हूं, मगर आप देखोगे बहुत नजदीक आ रहा है विश्व, बच नहीं सकते इससे, और 2010 के एंड से पहले पहले आप देख लोगे क्या होगा।
कश्मीरी सेव सिद्धांत को मानव रूप में मानवता में देना, एक भगवान मास्टर दारिनाथ के आदेश से ये काम कर रहा हूं, समझन समझे। तो कॉमेडी शिक्षा तो अभी जो ही वही रहे, अभी चंदे मैं नहीं जा सकूंगा, फिर यहां से उसके और जो है चेतन शिष्य उससे मित्रता है इनकी, वो लड़के लड़कियों को मैं भेजूंगा, बेस्ट में पूरे यूरोप में भेजूंगा, दक्षिण अफ्रीका में तो मेरे एक मिशन काम कर रहा है। तो सब ज्यादा एड्स है, और मेरी तस्वीर से अगर एड्स ठीक होता है, हुआ है कई और को पाया, रोजी न्योर एक आई थी तेल अबीब से, अभी उसको मैंने बताया कि ये तेल अबीब से आई है, उसने मेरे को कहा कि आपकी तस्वीर से जो योग होता है कुंडलिनी जाग जाती है और सारी समस्याएं मेरी ठीक हो रही है। तो आए थे 16 जनवरी 2003 को दीक्षा लेके गए, और ये लाखों की संख्या में योगियां आएंगे, लाखों की संख्या में विदेशी इस देश में आएंगे, आएंगे जब तो अपनी करेंसी लेकर आएंगे ना, और रुपया थोड़ी है। तो ये भारत के बैंक भर जाएगी उस करेंसी से, मगर ये सत्ता लोलुप्त लोग जो है ना, इनको उस 2 फीट बाई 2 फीट की कुर्सी के अलावा कुछ नहीं दिखता, ना धर्म से मतलब है ना लेना देना मतलब। मैंने प्रधानमंत्री को सारे केसेस भेजे, सोनिया गांधी को 10 जनपद में भेजे, मगर कैसे सुने बात उसकी, तो समझ में पोप वाली आती है, मेरी वाली आती नहीं। तो एक बात और कह दूं, जो हालत 10 डाउनिंग स्ट्रीट की हुई थी ना ब्रिटेन में, वो ही 10 जनपद की होगी। समझे नहीं समझे, वो प्रधानमंत्री जी अस्तित्व देख गए, एक चुना और बात देख लेना, ये काम मिलेगी आपको सोने का। ये देश जाग रहा है, इस देश की जनता चेतन हो गई है, आज दर्शन की कितनी जानकारी सब जगह है। और मुझे अफसोस होता है कि बंगाल की धरती में जहां रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद नरसिंह अरविंद पैदा हुए, वहां का मिनिस्टर बना, और केरला में जहां आदिगुरु शंकराचार्य पैदा हुए, वहां का मिनिस्टर बना है। नहीं अटैक तो और क्या है, निरीश्वरवादी लोगों का अटैक है, विदेशी शक्तियों का अघोषित युद्ध है, और मेरे को इसको लड़ना, ये धर्म की लड़ूंगा। यहाँ एक संपत राज शर्मा डिस्ट्रिक्ट जज थे, 2-3 उनके मित्र जैन मेरे पास आए, उन्होंने कहा गुरु जी जो कर रहे हो हम देख रहे हैं समझ रहे हैं, आखिर रुकोगे कहां तो जाके खड़े हो जाओगे। मैंने कहा जी संसार का सबसे बड़ा धर्म, वो कहता है हम पापी हैं, पाप की संतान, ईसाई कहते हैं हम पापी पाप की संतान, और मैं क्या हिंदू कहता है मनुष्य ईश्वर का स्वरूप है, अब सत्य कौन सा है इसको प्रमाणित करना है मुझे। तो कहने लगा इतनी बड़ी शक्ति से लड़ोगे, हाँ आत्मबल से लड़ूंगा, ये हमारा दर्शन हमेशा से आत्मबल से पूछा गया है, धनबल और जनबल फेल हो गया, उनका डॉलर सारे नीचे जोर लगा लिया, वहां के भी वित्त मंत्री ने नीचे नहीं जान दूंगा, रुक नहीं रहा, और हमारे वित्त मंत्री ने रुपए को ऊपर नहीं आने दिया, क्यों, एक्सपोर्ट करने वालों को घाटा होगा तो गरीब क्या करेंगे। मतलब ध्यान दिया जाता है पूंजीपतियों का, गरीबों का इस देश में कोई ध्यान नहीं दिया, तो भाई ये मेरा जीवन का उद्देश्य है, देश को आपको संभालना होगा, मैं बाहर जाऊंगा तो जल्दी से आऊंगा नहीं, अभी लाइफ समझे, ये देश आपको संभालना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी, संभाल लोगे क्या आप करेंगे। हाँ ठीक है, अब मैं आश्वस्त हूँ।